रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पब्लिक खबरें, अपराध पर कसकर निगरानी, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 सिर्फ मेरे साथ। मेरा नाम प्रवीण कुमार मोहरे है। मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में 2006 से काम कर रहा था। 2014 में मैंने सेंसर बोर्ड के करप्शन को बाहर निकाला था। उसके बाद में जो मैंने सीबीआई की मदद की थी, मैंने सीबीआई को पैसा दिया था, मुझे लगा कि पैसा मुझे वापस मिलेगा, वो पैसा नहीं वापस मिला मुझे। और उसके बाद में मुझे सेंसर बोर्ड से बाहर निकाला गया, क्योंकि मैंने सेंसर बोर्ड का करप्शन बाहर निकाला था, इसकी बदनामी हो चुकी थी। तो उसका बदला सेंसर बोर्ड अभी भी ले रहा है। जो 4 साल हो रहा है, 4 साल हो गया ना, मुझे सम्मान मिला जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलना चाहिए था, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोल चुके थे कि करप्शन के खिलाफ लड़ो, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन वो सब झूठी बातें हुई। अभी तक मुझे सम्मान नहीं मिला और ना मुझे प्रोटेक्शन मिला, और अभी मैं सब्जी भाजी बेच रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जिस ऑफिस में मैं पहले काम कर रहा था, एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रोड्यूसर की तरफ से काम कर रहा था मैं, वो काम मेरा फिर से चालू हो और खुद मुझे CM या PM कोई तो भी मुझे सम्मानित करे, जो मैंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मैं सब्जी भाजी बेच रहा हूँ। उससे दुख की बात तो उनके लिए होनी नहीं चाहिए और शर्म की बात होनी नहीं चाहिए, क्यों उन्होंने जो बोला था कि करप्शन के खिलाफ लड़ने वालों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अभी आप यहाँ पे एक्शन पे बैठे हो, मतलब क्या एक्शन है आपकी तरफ से आगे? मैं कल से 12 यानी शुक्रवार से 1 तारीख से मैं कंटिन्यू 12 बजे से बैठा हूँ, अभी दूसरा दिन है। तो मैं कंटिन्यू 4 दिन तक भूख हड़ताल कर रहा हूँ, ओनली पानी पीते जा रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट अगर पिघल जाए तो अच्छी बात है, या फिर अगर नहीं पिघले तो उसके बाद में मुझे कुछ कड़ा अख्तियार यानी कड़ा दूसरा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जो शायद पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तो बोल नहीं सकता, लेकिन शायद अगर 4 दिन के बाद में, अगर 4 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो शायद मैं सुसाइड तक कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं जहाँ काम कर रहा था 80-90 हज़ार कमाता था, अभी मैं 600 रुपये बड़े मुश्किल से कमाता हूँ। तो मैं अपने रोजी रोटी पे लात मार चुका हूँ, और वो भी करप्शन के खिलाफ लड़ के। तो मैं यही, अगर हमारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, करप्शन के खिलाफ लड़ने वालों को सपोर्ट नहीं करती, तो मैं हमारे देशवासियों से यही बोलूँगा कि भाई इस छलावे में मत जाना, ये छलावा है। हमारी गवर्नमेंट ओनली छलावा दिखा रही है हमको कि आप लड़ो, करप्शन करते रहती है, हमको उल्लू बनाते रहती है, बस यही। इसके अलावा नए जो सेंसर बोर्ड के चीफ है उनसे कुछ बात हुई आपकी? अगर मैंने काफ़ी बार प्रसन्न जोशी से मिलने की कोशिश की, मैंने सेंसर बोर्ड में कॉल किया, मैं गया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे मिलने तक का मौका नहीं दिया। मैंने काफ़ी बार अपॉइंटमेंट के लिए लेटर्स भी डाले, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, वो मिलना ही नहीं चाहते, शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है उनका। इसके अलावा कल्याण जी जाना जो गरीबों को हमेशा से सपोर्ट करता है, वो भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने आए, क्या कहना चाहते हैं? कल्याण जी मेरे दोस्त हैं एक्चुअली, मेरे साथ में कोई भी नहीं आ रहा था, इंडस्ट्री का कोई भी नहीं,
हालांकि काफ़ी बड़े बड़े पिक्चर्स के लिए मैं काम कर चुका हूँ, कोई भी सपोर्ट में नहीं आया, बस ओनली फ़ोन पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो मैंने कल्याण जी को बोला तो कल्याण जी दौड़ते हुए आए, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए कि मैं अमर अनुपोषण कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उस हिसाब से। कल्याण जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर उतरे हैं, क्या सोच कर उतरे और जो है ये लड़ाई सरकार के खिलाफ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं एक एक्टर हूँ तो, और एक मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ। तो सबसे पहला मेरे फिल्म जो उन्होंने किया था ढूंढ लेंगे मंजिल हम, इन्होंने किया था, मेरा सेंसर किया था। तो ये मेरा भाई है, सबसे पहला मेरा भाई है, एक अच्छे इंसान है, एक बुराई में वहाँ रहता है, एक अच्छे इंसान है। और एक पिछले कई सालों से वो काम कर रहा है वो इंडस्ट्री में, लेकिन वो इंडस्ट्री में काम करने के बाद उसको 1 लाख वो कमा रहा था बंदा, अच्छे से वो कमा रहा था, लेकिन जब गलत चल रहा है बोर्ड में, सेंसर बोर्ड में, तो उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने के चक्कर में क्या हो गया, इसका काम गया। और जब काम चला गया बेचारा, वो भाजी बेच रहा है आज गुराई बोरेवली में, भाजी बेच रहा है, भाजी बेचते बेचते जो 500 रुपये कमाता है रोज, उसमें उसका घर चलता है। और उसके बाद इसके खिलाफ आवाज़ में जो पैसा खर्चा हो रहा है कोर्ट में, बाकी इधर भी वो खर्चा हो रहा है, उसमें वो आता है। सबसे पहला इतनी बोलता हूँ, फिल्म लाइन में मैं भी हूँ, आप लोग भी हो। फिल्म लाइन कौन बनाया, हमारा फादर कौन है, दास है फल के। आज उसने अच्छा से, अच्छी मन से उसने शुरू किया था, अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचने के बाद फिल्म लाइन को बनाया था, लेकिन आज फिल्म लाइन में लाखों करोड़ अरबों करोड़ रुपये कमा रहा है, लेकिन गंदगी फैला गया। तो आज इस गंदगी को साफ करने के लिए एक बंदा यहाँ पे खड़ा है जिसका नाम है प्रवीण। सेंसर बोर्ड के खिलाफ नहीं है, सेंसर बोर्ड के कोई खिलाफ नहीं है, ना हम सरकार के खिलाफ है, सरकार में, केंद्र में, हर जगह पे बीजेपी है केंद्र आर, लेकिन सर अगर सेंसर बोर्ड में कोई है तो वो बीजेपी का है। बीजेपी का होने के बाद भी हम किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन खिलाफ है उसके अंदर गलत काम कर रहा है, जो गलत काम करने के बाद जो पैसा कमा रहे हम उससे खिलाफ है। तो हम इतना विनती है, बंदा भूखा 4 दिन से भूख है, हड़ताल में है, आप सभी से विनती है उनको आए सपोर्ट करें। ये फिल्म लाइन आपके लिए नहीं है, फिल्म लाइन में जितने भी आदमी काम करते हैं सबके लिए, तो प्लीज़ आप लोग आए इनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के बाद एक अच्छा फिल्म लाइन बनाए, और ये जो गंदा जो काम हो रहा है उसके अंदर जो गंदा सीन दे रहा है उसको पास कर रहा है, उसको पैसा देके पास करता है, उसको गाली गलौज साला बहुत सारे गंदगी ये फैला दिया फिल्म के अंदर, वो जो काट नहीं करता है, छोटी फिल्म को काट करता है, बड़ी फिल्म को काट नहीं करता, उसके खिलाफ जो आवाज़ है उस आवाज़ का आप लोग साथ दें, इस बंदे को दे साथ, और पुलिस प्लीज़ मीडिया सपोर्ट करें। हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये बंदा का जो एम है वो पूरा होगा। सर ओके सर ओके थैंक यू। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हैकिंग पर वीडियो सहित पूरी वीडियो देख सकते हैं, और हमारे जी न्यूज हैकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।